नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब कुशल पूर्वक होंगे। जय सतगुरु श्री माली जी की जय। जय सतगुरु श्री नाथी राम वाल्मीकि की जय। जय शमशान काली। मैं भगत नरेश कुमार पंचाल अपने महाकाली चैनल में आप सभी भाइयों का, आप सभी बहनों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं भगत नरेश कुमार पंचाल आज आप सब भाइयों के लिए माता महाकाली को जगाने का एक सावर मंत्र लेकर आया हूँ। इस मंत्र के जरिए माता महाकाली को जगा सकते हो, उठा सकते हो और उससे अपना मनचाहा कार्य करवा सकते हो, ठीक है? लेकिन इस मंत्र को बिना गुरु के ना करें, गुरु की इजाजत से करें, गुरु के आशीर्वाद से करें और गुरु के साथ रहकर करें। अगर आप कोई भी साधना, कोई भी मंत्र बिना गुरु के करते हो तो अपनी हानि और लाभ के स्वयं जिम्मेवार बनोगे, इसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों? मंत्र बताने से पहले मैं एक बात और कहूंगा, अगर आपको हमारा ये चैनल, हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाया करें, ठीक है? ताकि आप लोगों के पास हमारी नई नई नोटिफिकेशन, नई नई जानकारी पहुंचती रहे और मेरा जो नया चैनल है प्राचीन रहस्यमय ज्ञान चैनल, उसको भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करते ताकि उसकी भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है दोस्तों? हम मंत्र सुने। ओम नमो आदेश गुरु का। काली काली महाकाली, मुख सुंदर जीवा लाल, वीर भैरव 84 चले तेरे साथ। जाग जाग री माता महाकाली तू जाग, अपने मंदिर से जाग, शमशान से तू जाग, कल्लर से तू जाग, अमुक के कार्य कर, लौंग पतासे मीठा पान की तू भेंट लो, माता महाकाली जाग री जाग, हाजिर हाजिर सो हाजिर, ना हाजिर तो शिव शंकर की आण, गुरु गोरखनाथ की आण, शब्द साचा पिंड काचा, देखो माता महाकाली तेरे शब्द का तमाशा, सत्य का नाम आदेश आदेश आदेश। यह मंत्र है दोस्तों, मंत्र एक बार और सुन ले। ओम नमो आदेश गुरु का। काली काली महाकाली, मुख सुंदर जीवा लाल, वीर भैरव 84 चले तेरे साथ। जाग जाग री माता महाकाली तू जाग, अपने मंदिर से तू जाग, शमशान से तू जाग, कलर से तू जाग, अमुक के कार्य कर, लौंग पतासा मीठा पान की भेंट लो, माता महाकाली जाग हरी जाग, हाजिर हाजिर सो हाजिर, ना हाजिर तो शिव शंकर की आण, गुरु गोरखनाथ की आण, शब्द साचा पिंड काचा, देखो माता महाकाली तेरे शब्द का तमाशा, सत्य का नाम आदेश आदेश आदेश। यह मंत्र है दोस्तों, इस मंत्र को आप बिना गुरु के ना करें, गुरु की इजाजत लेकर करें, गुरु के आशीर्वाद से करें और गुरु के साथ रहकर करें। अगर आप इस मंत्र को और इससे पहले मैंने जो चुराया जगाने का मंत्र बताया उसको अगर बिना गुरु के करोगे तो अपनी हानि और लाभ के स्वयं जिम्मेवार बनोगे, इसमें मैं और मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं बिना गुरु के ही चल देते हैं, बिना गुरु के कभी ना करें। अगर बिना गुरु के करोगे तो अपनी हानि के लाभ के जिम्मेवार स्वयं खुद ही बनोगे, ठीक है? और हाँ, इस मंत्र की कम से कम 5 माला जाप करनी है और शनिवार से इस मंत्र को शुरू करना है। 41 दिन की इसकी सिद्धि है। 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जमीन पर सोना है, मांस मदरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना। पहले गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र, आसन जाप, शरीर की लन मंत्र जरूर करें, फिर उसके बाद आप इस मंत्र की 5 माला जाप करें। काले वस्त्र, काला ही आसन होना चाहिए, काले अकीक की माला से जाप करें या रुद्राक्ष की माला से जाप करें। उससे पहले शनिवार को आपको माता महाकाली के मंदिर में जाना है, वहाँ पे 7 रंग की मिठाई, 7 पतासे, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 गुलाब के फूल, 1 नारियल काली चुनी लपेट के और 1 सरसों के तेल का दीपक, ये चढ़ा कर आना है। और उसमें श्रृंगार जरूर लेकर जाएं, खुला श्रृंगार लेकर जाएं, बंद पैकेट ना लीजिए, खुला श्रृंगार जरूर लेकर जाएं। और माता के लिए 1 शराब की बोतल जरूर चढ़ा कर आए, और बाबा भैरव जी के नाम से 11 लड्डू और 1 देसी का पौआ, ये चढ़ा कर आएँ। फिर उसके बाद आप इस साधना को शुरू करें। जब आपके पूरे 41 दिन हो जाए, 41 दिन के बाद फिर दोबारा आपने यही सामान देना है, लास्ट में भी 41वें दिन फिर आपको यही माता मंदिर में जाके, माता काली के मंदिर में जाके यही सामान देना है, ठीक है दोस्तों? यह मंत्र है और ये इसकी साधना है, कोई ज़्यादा बड़ा इसका वो नहीं है। इसमें क्या करना है, अपने एक बेजोड़ पर माता काली की तस्वीर रखे, काला कपड़ा बिछा कर और उसके आगे सरसों के तेल की जोत जगाएं, अखंड जोत होनी चाहिए, अखंड जोत जलाएं। जैसे मान लो खड़ी जोत होती है, खड़ी जोत जगाए तेल की सरसों की, और दिन रात तक जलनी चाहिए जोत, वो दिन और रात 24 घंटे जोत जलनी चाहिए, एक बार भी शांत नहीं होनी चाहिए। मांस मदरा का सेवन नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन रखना, जमीन पर सोना है,
और जितना भी हो सके आप इसमें आप कम बोले और कम खाएं और कम सोए, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। 41 दिन की साधना है, 41 दिनों तक इसका परहेज रखना है आपको। और माता काली आपके सामने वैसे तो 21 दिन में प्रकट हो जाएगी या 11 दिन में प्रकट हो जाएगी, लेकिन वचन आपने पूरे 41 दिन के बाद ही लेने हैं, ठीक है दोस्तों। यह साधना है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ गुरु हो तभी करे। अगर बिना गुरु के करोगे तो अपनी हानि और लाभ के स्वयं जिम्मेवार बनोगे, इसमें मेरी और मेरे चैनल की कोई जिम्मेवारी नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे किसी भाई को गुरु दीक्षा लेनी है या गुरु मंत्र लेना है, तो हर शनिवार को हरियाणा करनाल में गुरु दीक्षा दी जाती है। हमारी गुरु दीक्षा का वही 551 रुपये शुल्क और एक पासपोर्ट साइज फोटो है, वो लेकर आए और आने से पहले एक बार फोन जरूर करें, ठीक है। हर शनिवार को हरियाणा करनाल में मिलते हैं, हर शनिवार को हरियाणा करनाल में, और आने से पहले फोन जरूर करें। जय माँ काली, जय शमशान काली, फिर मिलेंगे, जय माँ काली।